उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एक बार फिर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। राकेश जी, इसके पहले भी लखनऊ में आप लोगों ने महापंचायत की थी, आज फिर महापंचायत कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्री बिजली की बात करी, मीटर जबरदस्ती लगा रहे, तो भाई 5 साल तो प्रदेश में मीटर लगेंगे नहीं, या तो घोषणा पत्र फाड़ो, जिसने घोषणा पत्र लिखा उसके खिलाफ मुकदमा लिखो। अगर घोषणा पत्र इनका सच्चा है तो मीटर नहीं लगने की, फ्री बिजली दो, यानी कि बात नहीं चल रही। बिजली का बड़ा आतंक है, MSP गारंटी कानून देश में लागू होना चाहिए। फसलें आधे रेट पे खरीद होती है, फसलों की बड़े व्यापारी अनाज की खरीद में लगे हुए हैं, जो सब BJP के लोग हैं, इनकी निगरानी होनी चाहिए। छुट्टा पशु और जंगली जानवर, दो तरह के जानवर अब हो गए, एक जो हानि पहुंचाता है, एक जंगली जानवर है, एक जो छुट्टा हुआ पशु है, वो इनकी व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी दिक्कतें हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, पिछली बार भी आपने लखनऊ में एक महापंचायत की थी, तब से लेकर अब तक कोई बातचीत यूपी सरकार से अलग से हुई है क्या? सरकार अभी कोई बात हमसे नहीं करेगी, ना हमसे भारत सरकार बात करेगी। 22 जनवरी 2021 के बाद में हमारी BJP सरकार से या इनके गठबंधन सरकार से कोई बात हमारी कभी नहीं हुई, 2 साल से ज्यादा हो गया, कोई प्रयास भी नहीं हुआ। वो करेंगे ही नहीं ना, उन्होंने साफ कह दिया कि हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, हम नए संगठन बनाकर उनसे बातचीत करेंगे। क्या वजह बता रहे हैं, क्यों बात नहीं करेंगे? आप पूछो ना, एक आधा क्वेश्चन आप भी पूछ लो। अच्छा आप मुझे बताइए कि आज की इस महापंचायत के बाद अगली रणनीति क्या है? हम पूरे देश भर में जाएंगे, हम मध्य प्रदेश जाएंगे, उसके बाद में छत्तीसगढ़ जाएंगे, उसके बाद राजस्थान जाएंगे, अभी हमारे 15 दिन के ये प्रोग्राम हमारे। अच्छा, ये ऐसा कुछ नहीं है कि केवल BJP शासित राज्यों में ही महापंचायत होगी? ना ना, जब हम बिहार में गए मीटिंग करने, तो नीतीश कुमार ने जिस फील्ड में हमको मीटिंग करने थे, वहाँ JCB से गड्ढे करवाए, उसमें पानी भरवाया, फिर हमने कैमूर पुलिस DM के वहाँ, DC के वहाँ मीटिंग करी। ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी जहाँ सरकार आएगी वो सारा अपना काम पूरा करता है। अच्छा, चुनाव को लेकर क्या आप लोगों का पक्ष है, लोकसभा चुनाव आने वाले? विपक्ष कमजोर नहीं होना चाहिए, देश में विपक्ष कोई भी हो मजबूत रहना चाहिए। विपक्ष अगर कमजोर होगा तो देश में तानाशाह पैदा हो जाएगा और देश कोरिया की तरफ जाएगा। ये लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन, यहाँ पे कोर्ट, यहाँ पे कानून, यहाँ पे पुलिस फोर्स का गलत इस्तेमाल ये सरकार करती है। अच्छा, ये जो इंडिया गठबंधन का एक नया स्वरूप बना है पूरे देश में BJP के खिलाफ, खास तौर पर, कैसे इसको आप तो सरकारों के खिलाफ बन रहे, BJP के खिलाफ क्यों होता है? सरकारों के खिलाफ है, जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ है, इसको लड़ना चाहिए मजबूती के साथ। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये राकेश टिकैत हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमारी मांग उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि समूचे देश में जो किसानों के मुद्दे हैं उसको लेकर है, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि और भी राज्यों में आने वाले 15 तारीख तक लगातार वो अपने प्रदर्शन और महापंचायत करते रहेंगे, और यही एक एजेंडा लेकर आज लखनऊ में भी किसान महापंचायत की जा रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज़ 24।